हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स एंड नॉलेज। आज मैं आपको दो बाप बेटे की हकीकी ज़िंदगी की अज़्म व हौसले की कहानी के बारे में बताऊंगी। 1883 में जॉन रॉबलिंग न्यूयॉर्क को लॉन्ग आइलैंड से जोड़ने के ख्याल से मुतासर हुआ। जॉन रॉबलिंग एक इंजीनियर था जो एक ऐसा ब्रिज बनाना चाहता था जो न्यूयॉर्क को लॉन्ग आइलैंड से जोड़ दे। यह 1883 में मुकम्मल हुआ जो मनहत्तन और ब्रुकलिन को मशरकी दरिया के ऊपर जोड़ता है। तमाम एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ख्याल बिल्कुल इम्पॉसिबल था, यानी मुमकिन ही नहीं था। लेकिन वो लोग ये बात जानते नहीं हैं कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक मशहूर कोट है कि द वर्ल्ड इम्पॉसिबल शोज पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ नीड टू रिमूव द प्रीफिक्स इम थ्रू डिटर्मिनेशन। आप दुनिया की किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को सिर्फ अपने अज़्म और हौसले से ही पॉसिबल कर सकते हैं। रॉबलिंग अपने दिल की गहराइयों में ये बात जानता था कि ये काम मुमकिन है, वो ये ब्रिज बना सकता है। बस उसे करना ये है कि उसे अपने इस ख्वाब को किसी और के साथ शेयर करना है और किसी और इंसान की मदद लेनी है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपने बेटे वॉशिंगटन को अपने ख्याल के बारे में बताया। रॉबलिंग का बेटा वॉशिंगटन भी एक इंजीनियर था। रॉबलिंग ने अपने बेटे वॉशिंगटन को अपने साथ काम करने पर आमादा कर लिया। ब्रुकलिन ब्रिज का प्रोजेक्ट दोनों बाप बेटे का पहला प्रोजेक्ट था जो वो एक साथ कर रहे थे। बाप बेटे ने अपने कंसेप्ट बनाए कि कैसे ब्रिज तामीर किया जा सकता है और वो कैसे अपने राह में हायल होने वाली मुश्किल को दूर कर सकते हैं। अपने दिल में अज़्म और हौसले को लिए दोनों बाप बेटे ने नए एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई और अपने ख्वाब को पूरा करने की राह पर गामजन हो गए। प्रोजेक्ट ठीक से स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी कुछ ही माह गुजरे थे कि एक शदीद हादसे में रॉबलिंग की जान चली गई। वॉशिंगटन शदीद जख्मी हो गया और इसका दिमाग का कुछ हिस्सा मुतासर हो गया, जिसकी वजह से वो ना तो चल सकता था, ना कोई बात कर सकता था और ना ही हिल सकता था। हादसे ने लोगों को दोबारा बातें करने का मौका दे दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पागल लोग और उनकी पागल ख्वाहिशात। हर कोई ये समझने लगा कि अब प्रोजेक्ट को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जॉन रॉबलिंग ही था जो ब्रिज को तामीर कर सकता था, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। सबके बावजूद वॉशिंगटन का हौसला पस्त ना हुआ और उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो उस ब्रिज को मुकम्मल करे। बेशक वो अपने जिस्म से कोई काम नहीं ले सकता था, ना ही हिल जुल सकता था, मगर उसका दिमाग बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था। वॉशिंगटन ने अपने कुछ दोस्तों को इस आइडिया से इंस्पायर किया और उनकी मदद लेने की कोशिश की, मगर वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि ये टास्क मुकम्मल हो ही नहीं सकता। वो अस्पताल में अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था तो उसने खिड़की से चमकते हुए सूरज, नीले आसमान, घने दरख्तों और ठंडी हवा को चलते हुए महसूस किया। सबको देख के उसे ऐसा लगा जैसे कुदरत उसे ये पैगाम देना चाहती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। चूँकि वो बोल नहीं सकता था, इसलिए उसे कोई ऐसा राह तलाश करना था जिसकी मदद से वो अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सके। सोचते सोचते आखिरकार उसको एक ख्याल आया। उसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था सिवाय एक उंगली के, तो उसने ये फैसला किया कि वो अपनी उस उंगली का बेहतरीन इस्तेमाल करेगा। उसने अपनी बीवी को बुलवाया और उसके बाजू के ऊपर अपनी उंगली से लेटर्स लिख के उसको ये पैगाम दिया कि वो वापस से इंजीनियर्स को बुलाना चाहता है। इसी तरह वॉशिंगटन सारी मालूमात अपनी बीवी के बाजू पर टैप कर उसको बताता और उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस जाके उसकी बीवी इंजीनियर्स की टीम को देती। देखने सुनने में तो ये एक अहमकाना हरकत लगती है, मगर दोस्तों जल्द ही ब्रुकलिन ब्रिज मुकम्मल हो गया। लेकिन ये कोई एक दो दिन का वाकया नहीं है दोस्तों। 13 साल तक वॉशिंगटन तमाम इंस्ट्रक्शंस अपनी बीवी के बाजू पर टैप करके बताता रहा, मगर उस मेहनत का सिला वॉशिंगटन, उसकी बीवी और टीम को ब्रुकलिन ब्रिज की तामीर की सूरत में मिल ही गया। ये कहानी उन लोगों के लिए एक नमूना है जो हालात से हार मानकर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। वो लोग जो अपने ख्वाब पूरे इसलिए नहीं करते कि उन्हें डर होता है कि उनका मजाक बनाया जाएगा, या वो लोग जो नामुमकिन को मुमकिन करने से डरते हैं, उनके लिए एक नमूना है कि अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हो भी जाते हैं तो किस्मत के पहिए को अपनी तरफ मोड़ दो। कभी हार ना मानो, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाओ, क्योंकि जब तक आपको खुद पे यकीन नहीं होगा आप कभी भी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।